अरे ये ओवल देखो, ये इनको ये चेंज करना है अभी। अरे मैं अभी चला जाऊंगा। अरे ये फ्रेम देखो आप, ये फ्रेम मतलब थोड़ा किडिश सा लग रहा है, मतलब पेंटिंग्स अच्छी खासी हैं और ये पेंटिंग्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इस पेंटिंग को छोड़ के ये पेंटिंग थोड़ी अच्छी लग रही है, हाई स्टैंडर्ड बाकी हो से, क्योंकि ये सब 2-3 साल पुरानी पेंटिंग्स है। तो हमको क्या है ना कि वॉल जो है इसका कलर बहुत बेकार है, इसका बैकग्राउंड बेकार है, ये अलाइनमेंट जो है पेंटिंग्स की बेकार है। यहाँ पर बहुत कम पेंटिंग्स है, तो और भी ज़्यादा पेंटिंग्स आ सकती हैं सही ऑर्डर में। तो मैंने सोचा ड्राइंग रूम की वॉल को थोड़ा सा अपने क्लासी लेवल पर लाना चाहिए, नो जैसे हम हैं वैसी हमारी वॉल। सोफा भी पुराने हो गए, खराब हो गए। सोफा का हाल तो सोफा तो बुरा हाल, यहाँ ऐसा लग रहा है किसी ने पहले वॉल ठीक करते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है देख के किसी ने सफेद रंग का गुटखा टूट दिया है। तो ये सोफा हमको हाँ 1 साल हो गया चेंज करना है और लॉकडाउन के और इस चक्कर में कुछ, तो इस वॉल को ठीक करते हैं। कोई भी आता है तो हमारे घर की फर्स्ट वॉल यही होती है, तो इस फ्रेम में भी वीडियो बनाना मम्मी के लिए अच्छा रहेगा, फिर ना अच्छा लगेगा, इसी फ्रेम में बना देना फिर मम्मी। तो अब इस वॉल को चेंज करेंगे, और अगर ये ड्राइंग रूम की वॉल अगर ये ख़राब हो गई तो ये व्लॉगिंग चैनल यहीं बंद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे को घर से निकाल दिया जाएगा। रेडी हो गया, ये लाइट तो दिख इस तरीके का फाइव स्टार होटल स्टाइल का बैकग्राउंड है। इसके ऊपर अभी पेंटिंग्स आएंगी,
तो मम्मी घर से तो नहीं निकल रहा ना मैं बच गया देखा, मतलब मैंने बोला था निकाल देंगे, गंदा भी नहीं हुआ घर आज, पोछा वोछा लगाया अच्छे से। We hope you enjoyed this brief construction montage. अब जा रहे हैं फ्रेमिंग कराने, महान महान बड़ी बड़ी पेंटिंग को, इसके अंदर एक डबल साइज पेंटिंग है, डबल साइज फोल्ड करके डाला गया है, करा के लाते हैं और फिर उस वॉल को बिंदास बनाते हैं। लिया फ्रेमिंग के लिए, दिलवा दिया, लेकिन मम्मी को बहुत महंगा लग रहा है, बहुत कट गया हमारा तो, बहुत पैसा वो ले ले। मुंजल हमेशा पैसे ले जाता है, बहुत पैसा लेता है, लेकिन आना पड़ता है फिर भी, अच्छा ही बनाना, अच्छा ही करता, क्या करता। 3 days later छोटू पेंटिंग आ रहे हैं मैम साहब, फ्रेम होके आ चुकी है पेंटिंग, अब इसको अनबॉक्स करेंगे और इसका पहला लुक मम्मी ने देखा नहीं है, क्योंकि मम्मी को भी दिखाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, छोटे वाले से शुरू करो ठीक है। पेंटिंग्स के बाद मेरे मूवी के फ्रेम्स भी हैं, ये मम्मी कैसी चाहिए, कैसी सर चाकू देख के बोल रहे हो कैसी चाहिए, पूछ रहा हूँ कौन सा चाहिए दोनों में। महाभारत से बड़ा ही गहरा रिश्ता है इनका, काफी और लोगों का भी होगा, वो लोग देख के रहो, सब्सक्राइब करो ना, वहाँ दिल से दिल बात जुड़ गई है, चलो लोगों ने तो मतलब हद ही पार कर दिया, एक तो कभी कुछ किया नहीं, ऊपर से ओल्ड एज में आके, सोचा भी नहीं होगा, ओल्ड एज में आके ऊपर से मतलब कैसे कैरेक्टर दे दिए। One extremely annoying shift later.
ये पेंटिंग लगवाने का बहुत डर था कैसे लगाएंगे कैसे लगाएंगे। ओह एक एक चीज परफेक्शन के साथ लगाई है, बड़ा काम। एक नंबर जो है हमारे चुन्नी लाल जी, एक नंबर बंदा, इनके वजह से ही हो पाया। देखो हम दोनों का प्लानिंग 50%, उनका एग्जीक्यूशन 50%। अगर वो हमारी बात समझते नहीं, अच्छे से करते नहीं, नाप नहीं लेते अच्छे से, सब कुछ खुद से किया, दिल से करते हैं ना काम, वही है। थोड़ा आज लेट आया लेकिन कर दिया अच्छे से, दिल से किया ना सारा। मजा ये मम्मी नाचो। कैसा लगा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इस घर के लिए? तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, बहुत मेहनत लगी है, बहुत कुछ सोचा है। मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि फिर ये चला जाएगा तो इसका ये मम्मी चाहती थी, मम्मी चाहती थी जाने से पहले कुछ ऐसा हो कि जिसको देख के याद करें, और बाहर तो मैंने खुद को ही बना दिया। हाँ मन खराब लगेगा तो मैं तो वहाँ जाके बैठ जाऊंगी थोड़ी देर। ये लो यहाँ पे भी इमोशनल मतलब मम्मी को जाने से पहले कुछ दिन मतलब क्या खतरनाक निकाल रही है मम्मी। जो भी हो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा हो, जिसको लगा है पूरा 3 महीना, तो इस वीडियो को क्या करें मम्मी, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अभी भी, बताओ क्या करें? प्लीज करिए सब, मम्मी कह रही है कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बाय बाय बाय।